कई बार होता है कि आप कोई वेबसाइट कम में ले लेते हैं, उस वक्त आपके सामने गिरा आता है टू मेनी यूजर्स आर लॉग्ड ऑन आर ट्राई आफ्टर सम टाइम। आखिर ये क्यों होता है? वो कई वेबसाइट आपको एकदम स्मूथ मिलती है, उसमें विजिटर्स भी ज्यादा होते हैं, फिर भी वो वेबसाइट आपको स्मूथ चलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें इन वेबसाइट की, जिनमें आपको कई कई वेबसाइट में बार बार में हैंग होने की प्रॉब्लम दिखाई देती है, वो कई वेबसाइट होती है जो एकदम स्मूथ चलती है। जैसे कि अगर हम बात करें गूगल, फेसबुक, ट्विटर या फिर कई भी अमेज़न जैसी बड़ी वेबसाइट की, तो ये आपको कभी भी हैंग नहीं होती, क्योंकि इनमें आपको कई सारे सर्वर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। और जो दूसरी वेबसाइट होती है, यानी कि जो जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट होती है लगभग, वे आपको लगभग कभी कभी हैंग होती हुई दिखाई दे देती है, या फिर उनके अंदर आपको इरर आते हैं कि इस वेबसाइट में फिलहाल काफ़ी सारे यूजर्स हैं, इसलिए आप इस वेबसाइट में नहीं जा सकते, ये आप कोई कुछ देर बाद ट्राई कीजिए। ये इरर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है उनमें भी सर्वर काम में लिए जाते हैं, जो दूसरी कंपनियों की वेबसाइट होते हैं उनमें भी सर्वर काम में लिए जाते हैं, तो आखिर ये इरर क्यों आता है? इसका सबसे पहला कारण है, जितनी भी मान लीजिए आपके पास एक तरफ आप गूगल का होम पेज देखते हैं, दूसरी तरफ कोई दूसरी वेबसाइट जो हैंग होती है, इन दोनों को आप कंपेयर करें तो गूगल कंपनी का उसके अंदर आपको कई सारे सर्वर्स मिल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे गूगल कंपनी का सर्वर तो पूरी दुनिया के लोग एक साथ खोलते हैं, मगर जो ये वेबसाइट होती है इसी तरह कोई लोकल में हमारे लोग खोलते हैं, फिर भी ये हैंग होती है। इसमें यूजर्स उसके मुकाबले बहुत कम है, फिर भी ये हैंग होती है। मैं आपको बता दूँ, गूगल के जितने भी सर्वर हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बात करें इंडिया की, तो आपको गूगल के डोमेन नेम में भी दिख जाता है गूगल डॉट इन, या फिर अगर आपको यूके का या फिर कोई दूसरी कंट्री का गूगल का मिल लेते हैं, उसके अंदर आपको अलग अलग उसके हिसाब से कोड चेंज होते हैं। अगर पाकिस्तान का मिल लेते हैं उसके अंदर पी ए के लिखा है, इंडिया का मिल लेते हैं डॉट इन, यूके का मिल लेते हैं डॉट यूके, या फिर अगर आप ओरिजिनल यानी कि ऑफिशियल का मिल लेते हैं उसके अंदर डॉट कॉम लिखा है। ये इसके कई सारे सर्वर्स हैं। अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में आपको गूगल के काफ़ी सारे सर्वर्स मिल जाएंगे, यानी कि जितने भी सर्वर होते हैं वे सभी डेटा को सर्व करते हैं, यानी कि वेबसाइट में जितने भी यूजर आते हैं वो सारे यूजर वेबसाइट के अंदर जितने भी डेटा है वो सारा एक सर्वर के अंदर स्टोर होता है, सारे यूजर उस डेटा को सर्वर से एक्सेस करते हैं। और जितनी भी वेबसाइट होती है जो हैंग होती है उनका सर्वर सिर्फ एक ही होता है, इतने सारे यूजर्स को एक सर्वर हैंडल नहीं कर पाता। बात करें दूसरी वेबसाइट की यानी अमेज़न, फेसबुक इनकी, तो इनके आपको इंडिया के अंदर ही काफ़ी सारे सर्वर्स मिल जाएंगे, जिससे ये वेबसाइट हैंग नहीं होती है और इनका बैंडविड्थ भी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए ये वेबसाइट हैंग नहीं होती। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि कई वेबसाइट हैंग क्यों होती है और कई वेबसाइट एकदम स्मूथ क्यों चलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।